प्यार हमसे कोई भी बढ़िया चीज करवा सकता है, जैसे ये चार्मिंग प्रिंस अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा है। ग्रीटिंग्स माय लेडी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वूप्स, ओह, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? ओह, आखिरकार तुम यहाँ आ गए, आराम से बैठो। आह, मॉन्स्टर, ओह, क्या यहाँ कोई और मेडन भी है? हाय, हॉट स्टफ, फिश स्टाइल में पार्टी करना चाहते हो? आह, हर जगह मॉन्स्टर है। आह, लगता है ये आदमी वापस नहीं आएगा, मैं मेडन्स की कसम खा रहा हूँ। हर बार ऐसा ही होता है, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मुझे इसे किसी भी तरह ठीक करना होगा, कुछ भी करना होगा। आह, इससे बात और बिगड़ गई। अच्छी बात है कि मेरा लॉयल कैमेलियन दोस्त यहाँ मदद करने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया पास्कल, तुम कमाल के हो। खैर, देखते हैं कि इस ब्यूटी बॉक्स के अंदर क्या है। वाओ, आंटी आपने पैचेस, मुझे अभी इसी की ही जरूरत है। ये गोल पैचेस मेरे पिंपल्स पर अच्छे से फिट हो गए हैं, लेकिन मुश्किल जगहों पर होने वाले पिंपल्स का क्या होगा? ओह, ये बहुत गलत समय पर खत्म हो गए। इस मौके के लिए हमारे पास ये हैंडी पोर वैक्यूम है, ये समस्या को तुरंत दूर कर देगा। अब रपंजल की स्किन बिल्कुल स्मूथ है, काश तुम भी मेरे जैसी अच्छी दिखती। हाँ, एरियल, हाँ, हेलो, मुझे इमरजेंसी है। ओशन विच अर्सला हमेशा मदद करके खुश होती है। मेरे ब्यूटी बॉक्स के साथ कोई भी लड़का तुम्हें मना नहीं कर पाएगा, मुझे चाहिए प्लीज। क्या आप क्रेडिट क्लेम लेती हैं? खरीदने के लिए शुक्रिया। वाओ, ये शानदार है, ये मैग्नेटिक मास्क उसकी स्किन को जरूर ठीक करेगा। सबसे पहले इसे अच्छे से अपने चेहरे पर लगाएं और फिर मिरेकल मैग्नेट इस्तेमाल करें। वाओ, ये काम कर गया, पर मैं अपने चेहरे के बालों का क्या करूं? क्या हमारे ब्यूटी बॉक्स में इसके लिए भी कुछ है? आहा, क्यों ना मैं इन ट्वीजर्स के बजाय इन शेल्स का इस्तेमाल करूं? आओ, इससे इतना दर्द क्यों होता है? तुम्हारे पियरली आंसू तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आह, मुझे इस तरह मत डराओ। ये बाल देखने में अच्छे नहीं लग रहे। अच्छी बात है कि मेरे पास ये है, चिंता मत करो, इसमें सिर्फ एक मिनट लगेगा। हो गया, लेकिन मेरी नोज का क्या होगा? ओह, एक आइडिया आया, मैं बस थोड़ी सी स्लाइम का इस्तेमाल करूँगी और। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम मुझे डरा रही हो, ये डरावना हो सकता है लेकिन ये इफेक्टिव है, अगर तुम कहती हो तो। दोस्त, ठीक है, हमें आगे क्या करना चाहिए? ये अर्सला की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है, लेग ग्रोइंग पोशन। आखिरकार मैं इससे अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कह सकती हूँ। ओह, अजीब है। वाह, ठीक है, हमें शेव करने की जरूरत है, चिंता मत करो, ये गैजेट इसका ख्याल रखेगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अपनी आंखों का ध्यान रखें, ये ब्राइट होने वाला है। एरियल, मैं तुम्हें अपने दिल से चाहता हूँ। वो वो, मुझे थोड़ी जगह दो दोस्त। ओह, ये तुम थे? ओह, ये बढ़िया है, मेरी लेग्स अब बहुत स्मूथ है। तुमने सच में मुझे बचा लिया बेस्टी। समय बिताने के लिए ट्रूम ट्रूम की नई वीडियोस देखना मजेदार तरीका है। आह, मुझे माफ करना बेस्टी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कसम से। ईयू, कितना गंदा है, मुझे लगता है कि मेरे फिन में कीड़े लग गए हैं। इसका मतलब है कि अच्छे से सफाई करनी होगी। अब ये बेहतर है, फिर मेरे स्केल्स फिर से साफ हो गए। अब चलो फालतू के मॉइस्चर को हटाएं और बढ़िया है। लगता है रपंजल को भी कुछ परेशानी हो रही है। ओह, कितनी गंदी बदबू है। ठीक है, ये बहुत बुरा था, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था बेस्टी, यहाँ दिखाओ। ठीक है, ठीक है। ओह, ईयू, अपने दोस्तों के लिए सब करना पड़ता है। हो गया, और तुम इतना परेशान हो रही थी। वाओ, मेकओवर करके बहुत थकावट हो जाती है, बस थोड़ा सा और। ओह, क्या हो रहा है? आओ, क्या हुआ? बहुत बढ़िया एरियल,
तुम इसमें बहुत अच्छी हो। हे, तुम्हें ये देखना चाहिए। ओह, मुझे इसका कुछ करना चाहिए। मैंने अपना ट्राइडेंट कहाँ रख दिया? ईयू, मेरे दांतों में हर तरह की चीजें फंस जाती हैं। ये बहुत ही गंदा है। लिटिल मिस मरमेड, तुम लकी हो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ये माउथ पीस अभी तुम्हारी स्माइल को ठीक कर देगा। वाह, शानदार है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे दांत ऐसे ही साफ रहे। ये शानदार ओशन की खुशबू। क्रिएटिव काम के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन पैरों की गंदगी की वजह से तुम्हारा मन सच में आर्ट से हट सकता है। एक सॉल्यूशन है एक अच्छा गर्म फुट बाथ। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। हाँ, ये बुरा था। अब पेडिक्योर का समय है। अब ये बेहतर है, अच्छे और साफ। रपंजल हमेशा अपने लंबे शानदार बालों से जानी जाती थी, लेकिन बाद में वो डैंड्रफ से परेशान हो गई। ओह, यकीन नहीं होता कि ये इतना है। मैं ऐसे और नहीं रह सकती। यहाँ मजा आ रहा है। मैंने अपना शैम्पू कहाँ रखा था? एरियल, जब मैं अंदर आती हूँ तो तुम यहाँ क्यों होती हो? रुक जाओ। ओह, मुझे एक आइडिया आया। आखिरकार मुझे अपने लिए समय मिला। चलो शुरू करें। अब तुम्हारे बाल बहुत साफ हो गए हैं। अब हम इन्हें स्टाइल कर सकते हैं। हे मिस्टर यूनिकॉर्न, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे, ये ठीक नहीं है। चलो तुम्हारे बालों में कुछ कलर ऐड करते हैं। ये बहुत प्यारा लगेगा। ओह, ये काम आएगा। वाओ, मुझे खुद को इस तरह का मेकओवर देना होगा। आइए ब्राइट आईलाइनर से शुरू करें। बस इसे लगा लें। बहुत आसान है। ओह, पर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ईयू, वो क्या है? ओह, मैं इस पैलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अच्छा आइडिया है, मैं इसे अपना आईलाइनर लगाऊंगी। वाओ, ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया रहा। और अब लिपस्टिक लगाने की बारी है। न्यूड नहीं चलेगी, ये बहुत बोरिंग होगी, है ना दोस्त? ओह, मुझे स्ट्रॉबेरी शेड पसंद है। अब शाइन करने का समय है। आइए अपना बेस्ट ब्रश तैयार करें। हमें इसे अच्छे से हाईलाइट करने की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है एरियल? ओह, मुझे भी मेकओवर करना है। तुम यहाँ हो मेरी कीमती। तो हम अपनी आईब्रोज को सोप से ठीक कर लेंगे। और अब आइए अपनी नई लुक को थोड़ा ब्राइट करते हैं। ये कीमती पत्थर इस अंडरवाटर सारी प्रिंसेस को सुंदर बना देगा। वाओ, क्या शानदार लुक है। खैर, इस मोमेंट को ओकेजन के लिए सभी बढ़िया लाइफ हैक पता है। ओह, वोइला, हमें सही रंग मिल गया है। रपंजल अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन बहुत सारे क्रिएटिव टाइप्स की तरह कभी कभी वो थोड़ा खो जाती है। वोप्स, कोई प्रिंस मुझसे ऐसे शादी नहीं करेगा। हेलो फेरी गॉड मदर, मुझे आपकी यहाँ जरूरत है, ये इमरजेंसी है। ओह स्वीटी, तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं है। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये अब तक की सबसे सुंदर ड्रेस है। ये सच में तुम पर सूट कर रही है हानी। दखल अंदाजी के लिए माफ करना, लेकिन मेरा आउटफिट कैसा है? माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, अब कैसा रहेगा? खैर, अब कुछ हो सकता है। ये लो, मैं बहुत शानदार लग रही हूँ, हर तरफ से सुंदर। खैर, अब मैं जा रही हूँ। अभी रुको, मेरे पैरों का क्या? मैं नंगे पैर नहीं चल सकती। चिंता मत करो एरियल, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त इसमें तुम्हारी मदद करेगी। शुक्रिया दोस्त। हमारा मेकओवर हो गया है, अब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। ओह, प्रिंस चार्मिंग का मैसेज आया है। ओह, ये बहुत प्यारा है। और मुझे एक मरमैन का टेक्स्ट आया है। कितना अच्छा है ना? बिल्कुल है। हारने के लिए तैयार हो मार्टिन? ऐसा नहीं होगा मिया। बैटल पूरे जोरों शोरों से चल रही है, पर ब्रेक लेना होगा। मॉम और डैड जा रहे हैं। मैं तैयार हूँ एलेक्स।
बस मुझसे सूटकेस हैंडल हो जाए। ये वेकेशन कोई मजाक नहीं है। एलेक्स, ये बेबीसिटर है, बिल्कुल सही समय पर। क्या आपने बेबीसिटर को बुलाया था? मिस्टर जस्टिन हाजिर है। हेलो मैम, आप बहुत सुंदर हैं। और आप फादर होंगे? रुको, बच्चा कहाँ है? इस बार कहाँ छिपे हैं? पर एक एक्सपीरियंस्ड बेबीसिटर को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। पकड़ लिया। मैं मिस्टर जस्टिन हूँ, मिलकर अच्छा लगा। बच्चों बाहर आओ, बहुत गलत बात है। आपको जाना है ना? मैं संभाल लूंगा, मजा कीजिएगा। चले गए, हम मस्ती कर सकते हैं। और मिस्टर जस्टिन बहुत प्यारे हैं, पर नए बेबीसिटर के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। बस बहुत हो गया मार्टिन, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत देर कर दी, अच्छा बेबीसिटर जा चुका है। अच्छा तो बच्चों, खेलना चाहोगे? ओह, लगता है हम मुसीबत में पड़ गए। भागो बहन। पर बेबीसिटर बुरे बच्चों को हमेशा पकड़ लेता है। मार्टिन, चलो वहाँ छिपे, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। पर मार्टिन के पास बेहतरीन आइडिया है, आर्ट सबसे अच्छा कवर है। मार्टिन, इससे कुछ नहीं होगा। चलो टेबल के नीचे छिपो, बहुत अच्छी जगह है। मिस्टर जस्टिन यहाँ नहीं देखेंगे, पर ये थोड़ा बोरिंग है ना? मिया, हम यहाँ सीक्रेट रूम बनाते हैं। कमाल का आइडिया है, चलो टीवी लेकर चले। चुपचाप। और यहाँ कार्डबोर्ड रख देंगे, बेबीसिटर को कुछ समझ नहीं आएगा। हमने कर दिखाया मार्टिन, खाने और वीडियो गेम्स के साथ बोर भी नहीं हुआ जा सकता। हम पेरेंट्स के आने तक यहाँ रुक सकते हैं, पर सीक्रेट रूम पूरी तरह से छिपा होना चाहिए। अब ठीक है। कहाँ हो बच्चों? छोड़ो, कोई बात नहीं, खेल ले दो और एडल्ट्स आराम कर सकते हैं। आज की न्यूज़ देखते हैं। अजीब बात है, रिमोट चल नहीं रहा। हे, चल भी जाओ। पर कार्डबोर्ड टीवी कैसे चलेगा? मिया, हमने कर दिखाया। कंट्रोलर्स भी अजीब है। साफ है, बच्चे कोई शैतानी कर रहे हैं। देखते हैं किसमें कितना है दम। आवाज से शैतान बच्चों को ढूंढते हैं। हे भगवान, इतनी तेज आवाज, कोई आवाज कम करो। ये रहे, सीक्रेट रूम अब सीक्रेट नहीं रहा। भागो, तुम कभी जीत नहीं पाओगे बच्चों। आउच, दर्द हुआ। मार्टिन, बुरे बेबीसिटर से बचकर भाग निकला, शांति से जाना होगा। पर हर तरफ जाल बिछे हैं। फिर से बैड लक, पर मार्टिन पहले से ही टारगेट पर है। सीढ़ियों के नीचे क्लोजेट। वाह, कितनी काम की चीजें हैं। यहाँ रुका जा सकता है, पर पहले थोड़ा डेकोर इसे सुंदर बनाने के लिए। किस्मत अच्छी निकली, बॉल भी है। काश हुप भी होता। एक आइडिया आया, चलो शूलेसेस से बनाते हैं। सीढ़ियों के पास शूज का ढेर है, मटेरियल्स जमा हो गए। अब देखना, बॉटल से एक हुप काटे और शूलेसेस से नेक बनाए। अच्छा लग रहा है, चलो टेस्ट करें। और ये लगा परफेक्ट शॉट। मार्टिन चैंपियन है। और अब स्पोर्ट्स के बाद म्यूजिक की बारी है। अरे वाह, डैड का गिटार, अब इसे बजा सकता हूँ। मार्टिन को हमेशा से सुपरस्टार बनना था, पर वो अपने हेडफोन्स की वजह से फेल हो गया। बेबीसिटर आ गया, वो बच्चा यही कहीं होगा। पर इस मेलोडी ने मुझे गिरा डाला। ओह नहीं, ये मेरी मनपसंद जैकेट थी। अब तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, बच्चे बहुत शैतान होते हैं। वो यहाँ छिपा है। बाहर आओ मार्टिन, और गुड बाय कहने के लिए आखिरी कार्ड।
मिस्टर जस्टिन से डर नहीं लगता, यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ अब करने के लिए और कुछ नहीं बचा। अब तुम देखना मार्टिन। और बेचारी मियाँ के मेकअप का क्या हाल हो गया? इस लुका छुपी से उसका सारा मेकअप खराब हो गया। बहुत बुरा हुआ। शुक्र है मेरे पास हमेशा मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं। सारा ले जाना चाहिए, पर जल्दी करनी होगी। बेबीसिटर बहुत पास है। चलो काउच के पीछे करते हैं। अच्छी जगह है। क्या कभी यहाँ किसी ने सफाई नहीं की? पर हमें इन चीजों की जरूरत होगी। मियाँ ने कुछ सोचा। बॉक्स से एक सर्कल काटे, पेपर फिलर डाले और डिवाइडर्स बनाए। ऑर्गेनाइजर में सारे ब्यूटी सप्लाईज रखे और इन कलर्ड कप से लाइट बबल्स भी बनाए जा सकते हैं। ये किसे नहीं चाहिए होगा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, चलो अपना मेकअप ठीक करें। बेबीसिटर कभी भी काउच के पीछे सीक्रेट रूम नहीं ढूंढ पाएगा। पर मिस्टर जस्टिन को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, मगर लुका छिपी को रोकना होगा। आग लग गई है, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। ये तुम हो, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आज तो नहीं मिस्टर जस्टिन। लो पाउडर लगाओ। खूबसूरती में दर्द है, पर एक बुरी खबर है, वो भाग गई। यहाँ क्या कर रही थी? मेकअप बैग? क्या बात है, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। रास्ता साफ है, एक ही चारा है, बेड के नीचे घुसना होगा, सबूत छिपाना होगा और बस। पर मियाँ भी आ गई। लुका छिपी खत्म। बेबीसिटर आने वाला है। अब क्या करें? हे बहन चुप रहो, बेड के नीचे आ जाओ। अच्छी जगह है, बस शोर मत करना। काश कुछ तकिए मिल सकते। चलो अभी ले लेते हैं, मॉम और डैड गुस्सा नहीं करेंगे। हम लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये प्यारा रग भी। अब ये जगह बहुत आरामदायक है, पर अब ये सीक्रेट रूम पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब स्टार से भरे आसमान का मजा भी ले सकते हैं। ओह नहीं, बेबीसिटर आ गया। काश उसने ना देखा हो। कहाँ गए वो शैतान बच्चे? मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूँगा। ये एक रात की बात तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। बेबीसिटर का काम बहुत बुरा होता है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पैरों में दर्द हो गया। यू बदबू। मार्टिन सांस मत लो। पर मिस्टर जस्टिन ने एक और तरीका सोचा। बाहर आओ बच्चों, तुम छिप नहीं सकते। मार्टिन वो जानता है, चलो यहाँ से चले। कोशिश भी मत करना बच्चों, तुम भाग नहीं सकते। आज नहीं बेबीसिटर, माफ करना, हमें जाना होगा। और मैं ये हैट ले जा रहा हूँ। मिया रुको, मैं उसे उलझाता हूँ। लो पकड़ो, भागो बहन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ कोई नहीं है, शांति से सांस ले सकते हैं। पर छिप छिप कर बहुत थकान हो जाती है। क्यों ना एक सीक्रेट रेस्ट एरिया बनाया जाए। बलून्स आ गए, अब बस चॉकलेट की कमी है। मॉम बुरा नहीं मानेंगी, है ना? एयर बाथ बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। सीक्रेट रूम में स्पा, इससे बेहतर और क्या होगा? और हाँ, एक चॉकलेट शेक। पर मिस्टर जस्टिन यहाँ भी आ गए। चलो अंदर छिप जाए, मैं यहाँ नहीं हूँ सच में। ठंडे पानी से अच्छा लगेगा। बलून्स, पानी कहाँ है? मुझे लगता है जैसे वो लड़की यहीं कहीं है। अब यहाँ और नहीं रहा जा सकता, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चलो कोशिश कर लो। रुको, उप्स, बलून ने अपना कमाल कर दिखाया। मिस्टर जस्टिन थक गए, अब उन्हें आराम करना चाहिए। बेबीसिटर पास आ रहा है, क्लोजेट में चलते हैं। पर पहले कुछ खा लिया जाए तो अच्छा है। यम्मी ट्रीट्स खाए बिना लुका छिपी का कोई मजा नहीं। ओह हाँ, स्वीट्स मिल गई।
और यहाँ लेमोनेड होना चाहिए। पर किचन में काफी स्टॉक है, ये स्वादिष्ट चीजें बहुत लंबा चलेंगी। उफ, बेबी सिटर आ रहा है, चलो छिप जाएं। और मिस्टर जस्टिन का भी स्नैक खाने का मन हुआ, किचन में खाना जरूर होगा, चलो देखें। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं है। हो, मार्टिन लगभग पकड़ा गया था, अब बस दरवाजा बंद करना होगा। लगता है बेबी सिटर को डाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ क्या है, उस कबर्ड पर शक हो रहा है। मैं शेयर कर लूंगा, प्लीज मुझे छूना मत। शुक्रिया। हे, रुको, पर मिस्टर जस्टिन ने देर कर दी। सीक्रेट रूम खाली है और कोई चीज भी नहीं बची, और मार्टिन के पास छिपने की एक और जगह है। बेबीसिटर को स्वीट्स नहीं मिलने चाहिए, तो मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वो लड़का फिर भाग गया। घर में छिपने की कोई जगह नहीं बची, अब क्या करें? पर मार्टिन ने कोई रास्ता ढूंढ लिया है, यहाँ शायद एंट्रेंस। चलो मार्टिन, बेबीसिटर आता ही होगा। मॉम, डैड, ये जगह अच्छी है जहाँ बच्चों का आना मना है। कितना शांत तेरा आइडिया है, क्या हुआ बच्चों? मिस्टर जस्टिन कोई बेबीसिटर नहीं है, वो एक रियल विलन है। क्या कहानी है, बेबीसिटर एक्सप्लेन करेगा। ये रहे तुम बच्चों, क्या तुम फिर से कार्टून्स देख रहे थे, शैतान बच्चों? हमें इसके साथ मत छोड़ो, हम तंग नहीं करेंगे, हमें छुओ मत मॉन्स्टर। अपना सूट उतारो, आप आराम करिए और बच्चों की चिंता छोड़ दें। पर मिस्टर जस्टिन एक क्लासिक विलन है, उसे समझाना इतना आसान नहीं है। अच्छे से रहना, तुम बच्चों ने बहुत मस्ती कर ली, तैयार हो या नहीं मैं आ रहा हूँ। छिपो, ऑर्फनेज में करने के लिए बहुत कुछ है, पर मेलिसा को पिलो फाइट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसकी जगह पर प्रिंसेस बनना पसंद करेगी। ये काफी ज्यादा मजेदार है। बस करो स्टेला, देखो मेलिसा फिर से इसमें घुस गई। डॉल्स के साथ खेलते हुए उसने खुद के लिए क्राउन भी बनाया है, ये कैसा मजाक है। क्या तुम बोर नहीं होती हो मेलिसा, अब बड़ी हो जाओ। लड़कियों मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। जाओ और हम अपना काम करते हैं। ये लोग नहीं समझेंगे, प्रिंसेसेस बिल्कुल फनी नहीं होती हैं, वो बहुत खूबसूरत और बहादुर होती हैं। वो हमेशा बुराई को खत्म करती है। मेलिसा चाहती है कि उसकी प्रिंसेस मॉम होती, शायद आइस किंगडम से, वो बहुत जादुई होता। मैं यहाँ हूँ मॉम, घर पर कोई है? मॉम यहाँ पर है, स्नोवी, सुंदर, चमकदार, फेरी टेल की एल्सा की तरह। मेलिसा, ये सब तुम्हारा है, तुम आराम से बैठो। हनी, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, क्या हम ठंड कर दें? वाह, मॉम कमाल की है, उनको बहुत सी स्नो ट्रिक्स पता है, पर तुम्हें उनके साथ ध्यान से रहना पड़ेगा। उप्स, मेलिसा ये क्या है, टेस्ट के लिए एफ। एल्सा अच्छी है पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली भी है। ओ, अब क्या होगा? मेलिसा, आइस किंगडम में कोई बुरे ग्रेड्स नहीं होने चाहिए। आर्कटिक तूफानों के आने से पहले हमें महल से बाहर निकलना पड़ेगा, पर एल्सा बुरे ग्रेड्स माफ नहीं करती। ओ, ये मैंने क्या किया? मेलिसा, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें गर्म करेंगे। हेयर ड्रायर कोई काम नहीं कर रहा, पर कैंडल जरूर मदद करेगा। बस थोड़ा सा और मेलिसा, मैं तुम्हें गर्म रखूंगी बेबी। मॉमी ये फिर से नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं। आइस मॉम बहुत ज्यादा खतरनाक है। कैसा होगा अगर मुझे स्नो वाइट अडॉप्ट करे? हमारे घर में बहुत ज्यादा मजा होगा। ड्वार्फ सारा काम कर देंगे, वो मेहनती हैं और बहुत मजाक करने वाले। इससे मजे करने के लिए और वक्त मिल जाएगा। मॉम आ गई। मेलिसा, मेलिसा, ओ, तुम यहाँ हो, अच्छी बात है, तुम्हें मेरी गैरहाजिरी में किसी विच ने जहर नहीं दिया। मॉम देखो कितनी फनी वीडियो है। ओह, धोखा, क्या ये एक एप्पल है हनी? हाँ, क्या हुआ मॉमी? स्नो वाइट को एप्पल से एलर्जी है। मेलिसा कैसे भूल सकती है? अब हम क्या करें? सिर्फ एक प्रिंस मदद कर सकता है।
मॉमी को अभी आराम करने दो और मेलिसा हर चीज का ख्याल रखेगी। ही, क्या तुम्हारे पास एक और प्रिंस है? मॉम के लिए सिर्फ एक किस। प्रिंस यहाँ पर है यंग लेडी। मुझे किसको किस करना होगा? मेरी मॉम वो वहाँ पर है। ओ नहीं, गुड बाय लेडीज, ये कैसा रहेगा? खैर, अगर आप इतना कह रही हैं तो, पर पहले पैसे, जैसा तुम चाहो। प्रिंसेस को ढूंढना बहुत मुश्किल है। स्नो व्हाइट को मदर बनाना भरोसेमंद नहीं है। कोई और आइडियाज? मर्मेड की बेटी बनना कैसा रहेगा? उसे पानी बहुत पसंद है और उसके बहुत खूबसूरत बाल हैं और स्केल्स बहुत सुंदर है। मैं घर आ गई हूँ मॉम। हाय हनी, इसे पकड़ो। और ये तुम्हारा लंच है, स्पेशल सॉस और केक्स। मैंने इसे खुद बनाया है, एंजॉय। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, पर चलो मॉम को उदास नहीं करते हैं। मेलिसा, क्यों ना हम सैर के लिए चलें? क्या तुम मुझे अपनी बाहों में लोगी? हाँ, तुम अपनी टेल से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। चलो हनी, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओह, आखिरकार, मर्मेड्स बहुत भारी होती हैं। चलो शॉपिंग शुरू करें। आह, आपको क्या चाहिए मॉमी? मूड को अच्छा करने के लिए कुछ मीठा। एक लॉलीपॉप लो और चोको पाय लो। अब कैफे के लिए चलो। चलो स्वीटी, सी किंगडम में ये सबसे अच्छे कॉकटेल बनाते हैं। एक सेकंड मैम, आपका ओशन ब्रीज। स्वादिष्ट, सी विट की तरह टेस्ट है। घर कब जाना है मॉमी? नहीं मेलिसा, हम जिम जा रहे हैं। मर्मेड को अच्छे शेप में रहना जरूरी होता है, पर आप इस पूंछ के साथ स्पोर्ट रिकॉर्ड कैसे तोड़ोगे? रो मत मॉम, उदास मत हो, आप पहले से ही खूबसूरत हैं। मेलिसा, मेरी पूंछ सब कुछ खराब कर रही है, मुझे घर जाना है। जैसा आप चाहो मॉमी, अब हम आराम कर सकते हैं। पर मर्मेड फिर से शुरू हो गई। मेलिसा, मैं नहाना चाहती हूँ और जल्दी करो। नहीं, मर्मेड के साथ ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस स्केल से कितनी परेशानी होने वाली है। चलो परफेक्ट मदर को ढूंढते रहें। शायद मुझे वो सपने में मिले। गुड मॉर्निंग, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई मॉम। ओह, आप सो रही हो, सो जाओ, मैं खुद कर लूंगी और हम सफाई के साथ शुरू करेंगे। घर में हर चीज चमकनी चाहिए। मेलिसा इसका ध्यान रखती है और अब कुकिंग शुरू करते हैं। मेलिसा को पता है क्या करना है और कोई गंदी डिशेस नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है। उठ जाओ मॉमी, इसे देखो, क्या आपको पसंद आया? पर आप स्लीपिंग ब्यूटी को जगा नहीं सकते। वो अपनी बेटी की कोशिशों की भी कभी तारीफ नहीं करेंगी। इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ, ये काम नहीं आने वाला। स्लीपिंग ब्यूटी को सोने दो और मेलिसा को दूसरी मदर चाहिए। काश मैं जैस्मिन के महल में होती, मुझे हर दिन गिफ्ट्स मिलते, जैसे एक उड़ने वाला कारपेट और बहुत सारा डांस। क्या हम उड़ सकते हैं मॉम? ओह, ये बहुत मुलायम है और ये काम का लगता है। मैं तैयार हूँ, चलो उड़ते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, ये आम रग है, ये जादू वाला नहीं है। ये शर्म की बात है, पर मॉम और डैड किसी और के बारे में सोच लेंगे। बेबी को थोड़ी देर के लिए उड़ने दो। हेयर ड्रायर बहुत काम की चीज है, ये बिल्कुल असली जैसा है। ये मजेदार है, पर ये बहुत जल्दी ही बोरिंग हो जाता है। जैस्मिन काम नहीं करेगी, उसे अलादीन के साथ अपने महल में रहने दो। क्या आप कोई प्रिंसेस नहीं बची? सिंड्रेला बची है, वो सुंदर और मेहनती है। आप कहाँ हो मॉमी? वाह, ये जगह साफ सुथरी है। सिंड्रेला को पता है सफाई कैसे करनी है और वो अपनी सारी नॉलेज अपनी बेटी को बांटेगी। मेलिसा, कर्डल्स करने का वक्त नहीं है, तुम अपने नेल्स को खराब कर लोगी। मॉम, ये रही आज के काम की लिस्ट। वाह, ये ज्यादा नहीं है, बस कुछ चीजें हैं। तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है मॉमी, हमें जल्दी करनी होगी। सिंड्रेला को अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। मॉम हमेशा डांस क्यों करती रहती है? उनको सफाई में मदद करनी चाहिए।
पर मॉमी नहीं कर सकती, उन्होंने खूबसूरत ड्रेस पहनी है और मैंने क्यों करवाया है। ओ नहीं, सिंड्रेला अब गा रही है। ओ कैसा दिन है, पर सिंड्रेला खुश है, उसे आज तक की सबसे अच्छी असिस्टेंट मिली है। मेलिसा, हाँ मॉमी, मैंने सब कर लिया। अच्छी बात है, तो पार्टी खत्म हो गई। अब कोई मार्क्स नहीं। मॉम ये ठीक नहीं है, असल में आप मदद कर सकती थी। नहीं, मैं एक नौकरानी नहीं बनना चाहती। जब आपका दिल टूटता है, आपको आपकी मॉम की कमी का एहसास होता है। वो मुझे समझती और दिलासा देती, जैसे कि प्रिंसेस मेरिडा। आज महल में इतनी बारिश क्यों हो रही है, ये नहीं चलेगा। मेलिसा, तुम्हें किसने परेशान किया? मॉमी तुम्हारा बदला लेंगी, उसने मुझे धोखा दिया। क्या आप विश्वास कर सकते हो मॉम? यहाँ से मैं संभाल लूंगी बेटी, मैं अभी वापस आई। ये रहा धोखेबाज, वो जो लड़कियों का दिल तोड़ता है, पर अब ये और नहीं मुस्कुरा पाएगा। जल्दी ही उसे मेलिसा को छोड़ने का पछतावा होगा। ही तुम, हमें बात करने की जरूरत है। बताओ तुमने मेलिसा को क्यों छोड़ा? रुक जाओ मॉम, इसे मत मारो। ब्रेंडन एक अच्छा आदमी है, उससे बस एक गलती हो गई थी। ठीक कहा ना हनी? मेलिसा ये बुरा है और इस बुराई को रोकना होगा। मॉम आप नहीं समझ रहे हो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर आप मेरिडा को नहीं मना सकते, उसे किसी और मदर को ढूंढना होगा। आम मॉम भी चल जाएगी बिना किसी जादू और सुपर पावर्स के, पर वो कहाँ मिलेंगी? शांत हो जाओ बच्चों, मिसेस काइली से मिलो, तुम में से कोई एक इनकी बेटी बनेगी। मिसेस काइली, हमारे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हमारे पास कौन आया है? हाय, मैं तुम्हारी मॉम बनूंगी। सपना सच हो गया है, मेलिसा के पास एक मॉम होगी, किसी भी प्रिंसेस से अच्छी। पर ये इतना आसान नहीं है। आराम से रहो मेलिसा, ये तुम्हारा नया घर है। हे भगवान, लाइट कहाँ चली गई? कितना डरावना है। नहीं, क्या वो हॉर्न्स है? घर में तुम्हारा स्वागत है मेलिसा। क्या मेलिफिसेंट मेरी नई मॉम है?